रहमान, आप देख रहे टुडे न्यूज़, आपका स्वागत है। अभी हम जलवारा पंचायत में, क्यूटी विधानसभा के जलवारा पंचायत में हैं। यहाँ पे हम कहेंगे दिखाने के लिए, देखिए किस तरह से पानी का जमावड़ा है और ये सैलाब का पानी करीब करीब 6 रोज से यहाँ ऐसे ही चल रहा है और पूरा गांव टापू की तरह समा गया है और इतनी तेज़ रेत है, यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं। उधर का आदमी इधर आने में काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि उधर पूरा पानी बीच में करीब करीब बहुत ज़्यादा पानी है। तो अभी हम यहाँ जो बात करते हैं शफकत भाई, मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल की टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यहाँ आए और यहाँ की जो समस्या है उसको कवरेज की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आज 6ठा दिन है और 6ठे दिन से पानी तो अभी कम आए और लगभग 7 से 8 इंच पानी कम गया, लेकिन इससे ज़्यादा प्रेशर था और बहुत सारे लोग लॉकडाउन में, एक तो उनकी साग सब्जी सब ख़त्म हो चुका था और चैन सुकून सैलाब से ख़त्म हो गया, घर से बेघर हो गया। लेकिन अभी मालूम चला, मैं नहीं था, बाहर निकला हुआ था तो मालूम चला DM साहब आए हुए थे और उनका आदेश हुआ कि यहाँ पे बांस का घेराव किया जाए और रस्सी लगाया जाए ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। तो वो उच्च पदाधिकारी होने के कारण वो अपना फ़र्ज़ निभाए, लेकिन हमारे विधायक जी और MP साहब अपना फ़र्ज़ नहीं निभाए। क्यों, हमारा वोट इसीलिए आप लिए थे कि हमें अपने हाल पे छोड़ देते, क्या हम इसी लायक हैं? आप कम से कम ये तो पूछ लेते हैं कि इस जलवारा पंचायत के लोग किस हाल में हैं। ये 5 जगह रोड टूट चुका है, कोई देखने वाला नहीं है, कम से कम ये तो होना चाहिए। तो मैं फराज फातमी साहब से अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और MP साहब से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम लोगों का जो साग सब्जी वो छिन गया है, लोगों का जो घर से बेघर हो गए हैं, उनका जो सुकून छीन गया है, तो उनको कम से कम जो है जो राहत हो सकता है वो राहत उनको दिया जाए। ये जलवारा पंचायत हो गया, लवार, दिग्यार, लदारी, छतमन, कोठिया, उसके बाद बिरदीपुर, अरई, बिरदीपुर, बसकवारा और बहुत सारे इलाके हैं जो बाढ़ से डूबे हुए हैं। तो हमारा यही है और यही आग्रह, उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर का थोड़ी नज़रशानी की जाए। धन्यवाद। यहाँ एक और है, अभी क्यूटी विधानसभा में जलवारा पंचायत में और मैं देख रहा हूँ कई दिनों से यहाँ पे काफ़ी परेशानी हो रही है। बाढ़ के समय में तो अच्छे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, मगर जिस तरह की परेशानी अभी मैं देख रहा हूँ, एक तो रोड की यहाँ बुरा हाल है, जनता को बदहाली पर छोड़ दिया गया, यहाँ चाहे वो मरे या जिए, वोट आएगा सिर्फ जनता को याद आ जाएगा कि हाँ जनता हमारा जिंदा है, वोट ख़त्म, जनता कहाँ उसको कोई परवाह नहीं। मगर अभी जैसा कि हमको मालूम चला है, DM साहब यहाँ पर आए थे, अब वो मतलब कि सफाईकर्मी है या जो भी वर्कर है, उनके प्राइवेट वर्कर हैं वो भी, और उनको कह के गए कि आप लोग बांस बल्ला से इनको आने जाने का सुविधा दिया जाए, मगर वो भी जो वर्कर हैं उनको इस तरह सुविधा दिया जाए ताकि वो काम कर सके। अब 2-4 वर्कर हैं, उनको ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत है, 1 घंटे से वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब जनता कितनी देर तक परेशानी ये झेलेंगे, उनको एक गांव से दूसरे गांव घर जाना है अपने, तो वो किस तरह जाएंगे वहाँ। तो हम DM साहब से अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस यातायात को जो बाधित है उसको चालू करवाएं और जो भी वर्कर है, जो भी यहाँ पर कमी है उसको दूर करें, और जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं फराज फातमी जी, वो कहाँ सोए हुए, उनको जागना चाहिए आपके पास, क्योंकि जनता पूरी तरीके से परेशान है इस बात के समय। एक तो लॉकडाउन अभी लगा हुआ है, बाढ़ है और उस पर से लोग अपने घर नहीं जा रहे हैं, तो इस पर हम फराज फातमी जी से, अगर हमारी इस चैनल के माध्यम से अगर वो सुन रहे हैं तो इसलिए कि वो इस चैनल से सुने कि जनता का जो परेशानी है उसको जल्द से जल्द सुझाव किया जाए। अगर वो बहरे या घोंगे हो गए हैं तो उससे कोई परवाह नहीं है, फिर भी वो आके अभी देखे, इलेक्शन के टाइम उनको जनता बता देगा कि आपका क्या बहरे हैं या क्या घोंगे, वो फराज फातमी साहब अपनी समझ में। इसीलिए हम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जनता की परेशानी को दूर किया जाए, अगर परेशानी दूर नहीं होगा तो हम लोग आगे भी इसके लिए आंदोलन करेंगे।
और जनता का जो परेशानी हम लोग से जहाँ तक होगा कॉपरेट करेंगे, हमारी पार्टी स्तर से जहाँ कॉपरेट होगा हम कॉपरेट को दूर करेंगे। और जो सड़क का जो बदहाली है ये लॉकडाउन और बाढ़ के बाद सड़क भी जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। हम विधायक जी से अनुरोध कर रहे हैं बार बार कि सड़क भी जल्द से जल्द वो बनाए ताकि आपके जनता है, आपकी जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप इस पर ध्यान दें और आप ध्यान देंगे तो आप और बेहतर हो के आने वाले जो इलेक्शन आप जो किस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे इलेक्शन वो मुद्दा भी आप ध्यान रखिए। तो इसलिए आपसे जो है अनुरोध बार बार कर रहे हैं कि जनता की समस्या। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।